आप लोगों के थ्रू ही पता लगा कि सुना जा रहा है, हमारी तरफ से तो नहीं जा रहा। तो अभी तो आई थिंक रिटेंशन में भी टाइम है और बस यही कह सकता हूँ कि अगर याद है कि नसीम को पहला भी जब हुआ था वो इंजर्ड थे और आपने रिटेन किया था जी, और फिर आपने अगले सीजन में खिलाया। 4 साल रिटेन करके रखा, 5 साल तो हमारा बच्चा है, जहाँ भी जाए या ना जाए आई थिंक बस बेस्ट ऑफ लक। लेकिन वो खबरें तो चलती रहती हैं, आपको पिछले साल भी यही होता रहा, बट हम अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी टीम फाइनलाइज नहीं हुई। तो नसीम आपके प्लान में, क्योंकि फ्रेंचाइज के पास भी ये राइट है कि वो रोक सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि हाँ जी हाँ, अभी तक तो यही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, मैं हूँ अदनान। और आपने अभी नदीम उमर की गुफ्तगू भी सुनी, उससे आप लोगों ने गैस क्या लगाया होगा कि नसीम शाह जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को नहीं छोड़ रहे। उनकी बातों से उन्होंने ये कहा, जर्नलिस्ट को जवाब दिया, ये खबर तो आपने कल देखी भी होगी वैसे, लेकिन इंटरव्यू आपने नहीं सुना होगा, लेकिन पूरी बात मैं आप लोगों को बता रहा था कि पूरी बात उसमें सामने नहीं आई, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने कहा कि ये बात मुझे आपसे ही पता चल रही है। और आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि 4 से 5 साल हमने उन्हें रिटेन करके रखा है, और अब अगर वो कहीं जाते हैं या नहीं जाते तो हम उन्हें बेस्ट विशेस कहते हैं, जिसका मतलब यही है कि अभी नदीम उमर सामने आकर नहीं कहना चाह रहे। और उन्होंने ये चीज़ भी कही कि हमारी तरफ से वो नहीं जा रहे, तो क्योंकि वो उन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहते ना, नसीम शाह खुद जो है वो टीम को छोड़ना चाहते। तो यहाँ से भी एक अंदाज़ा होता है कि नसीम शाह वाकई ही जा रहे हैं, और जहाँ पर बेस्ट विशेज़ भी उन्होंने कहा है कि बेस्ट विशेज़ हैं हमारी उनके लिए कि वो जहाँ भी जाना चाहते हैं और अगर जाते हैं तो जाएँ, अगर नहीं जाते तो तब भी उनके लिए बेस्ट विशेज़। तो मुझे जो उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है, वो उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमने रिटेंशन के हवाले से सोचा नहीं है, अभी रिटेंशन काफ़ी दूर हैं तो हम उसके ऊपर सोचेंगे भी। और जब जर्नलिस्ट ने कहा कि आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग नसीम शाह को रिटेन करें। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम ट्राई करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जा रहे हैं। और जो खबरें शॉर्ट करके इंटरव्यूज में से निकाली जाती हैं उन पे नहीं जाना चाहिए, पूरा इंटरव्यू देख के सुन के उस पर पूरी तरह से गौर करके ही पता चलता है कि क्या होने जा रहा है। तो अभी तक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही लग रही हैं कि नसीम शाह जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को छोड़ेंगे ही, और इस इंटरव्यू से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि नसीम शाह जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर में ही रहेगा। यकीनन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर इस तरह की और मज़ीद ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए आपको पाकिस्तान सुपर लीग के रिलेटेड, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।